हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक हैं और मैं भी ठीक हूँ। और आज के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा स्लिंग बैग, और जो कि वूल से बना रही हूँ मैं। सो ये वाला वूल जो है, जो मेरे पास पुराना मफलर था, तो मैं उसको खोल के फिर से एक स्लिंग बैग बनाने की सोच रही हूँ। तो मैं बॉडी पार्ट तो बना चुकी हूँ, तो इसका बनेगा स्लिंग बैग। तो इसके अंदर मैं लाइनिंग भी दूंगी और जो बाकी प्रोसेस है मैं दिखाती रहूंगी आपको। तो इसके साइड में ये वाला आएगा, सो इसका ये वाला यहाँ पे स्टिच होगा। सो अभी तक मैंने ये एक ही बनाया है, इसे दो पीस चाहिए। सो दो पीस चाहिए और यहाँ पे पी जिप होगा, तो और इसका एक हैंडल होगा। सो आप देखते रहिए वीडियो को। तो ये वाला डिज़ाइन जो है मैं क्रोशेट से बना रही हूँ। सो मैं इस वाले स्टिक से बना रही हूँ ये वाला डिज़ाइन। तो मैंने यहाँ पे डबल ट्राई किया है ताकि ये जो फैब्रिक है, जो वो जो बन चुका है, ये मोटा रहे। हालांकि ये उल बहुत सॉफ्ट है, इसलिए ये ज़्यादा हार्ड नहीं हुआ, ज़्यादा हार्ड होने से अच्छा ही था। ये वाला उल मैं आपको क्लोजली दिखाती हूँ। तो ये वाला उल मैंने यूज़ किया है, तो इसलिए मैंने ये थोड़ी सी शाइन करती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये स्लिंग बैग के लिए बहुत अच्छी होगी। सो इसलिए मैं बना रही हूँ। तो आप भी देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप की है। और एक मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो ये ले ली मैंने वूल। सो इसको मैं कैसे करूँगी, ऐसे करके। सो ये कर ली मैंने। सो यहाँ जाएगी ये और इस हाथ को ऐसे। ओके लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पे डबल कर रही हूँ, डिज़ाइन मुझे मोटा चाहिए इसलिए मैं डबल कर रही हूँ। सो पहले एक जाए एक गया और अब दूसरा। मैंने अब दोनों पीस बना ली, इस साइड वाला दोनों पीस बना लिया मैंने अभी। तो अभी इसको बस स्टिच करना है। और पास है ये जो हैंडल में यूज़ होगी, और ये तो ये बन चुके हैं, साइड पे रख देती हूँ। तो जब मैंने इसे ख़त्म किया तो मैंने इतना लंबा इसके लिए वो सिलाने के लिए रखा था, तो मैं अभी इसको बंद कर देती हूँ इसे यहाँ पे। और यहाँ से मैं इसे स्टिच करते जाऊँगी इस तरह से। तो साइड से ये सिल चुकी है अभी, ये रही। सो मैंने सुई की मदद से सिलाया ऐसे। तो ये मैंने शुरू किया है अभी। तो ये वाला है हैंडल। सो बेल्ट बना ली मैंने। सो थोड़ी सी बाकी है और मैं आपको दिखाती हूँ सामने से। अभी बेल्ट ऐड करना है, तो मैं क्या कर रही हूँ अभी, इस जो वूल है इसको थोड़ा इसे लंबा सा लेके काट देती हूँ। तो सबसे पहले इसे डालूँगी मैं, यहाँ डाला तो उसके बाद इसे। तो यहाँ जो है, तो यहाँ जो है मुझे इसे यहाँ पे ऐसे सिला देना है। सो
सो है इसे सिला ली मैंने फाइनली छोटा तो छोटा बड़ा तो बड़ा सो मैं होल्ड की तरफ अभी मैं यहाँ पे इस तरह से इसे स्टिच कर लूँगी। सो बेल्ट लग चुकी है इसकी और इस तरह से लगाया है मैंने और ये एडजस्टेबल है यहाँ पे, इसकी हैंडल को छोटा बड़ा कर सकते हैं। सभी बाकी है इसका लाइनिंग लगाना और सो इसका चेन। मैंने लाइनिंग के लिए इस कॉटन कपड़े को काट के इसे रनिंग स्टिच दे दिया और अब जो इस बॉटम वाले हिस्से को मैं ये भी हो चुकी है तो यहाँ लगेगा चेन। देखो तो यहाँ मैंने खाली जगह छोड़ा और अब ये स्मूथ सा रहे। सो ये मैंने ये ले ली मैंने सुई और धागा सभी। अब यहाँ पे सिर्फ ये वाला लगाना बाकी है और बाकी सारी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए सारी कंप्लीट हो चुकी है तो मैं ये यहाँ लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ। बन के रेडी है सो है इसकी बेल्ट, ये है जिप और मैं दिखाती हूँ मैंने इसे जिप कैसे लगाया। और सो अंदर है ऐसा और कुछ इस तरह से दिखता है ये। तो आप इसे साइडवेज से भी ले सकते हैं, इस तरह से भी ले सकते हैं और इसको आप शॉर्ट करना है तो सो ये बन के रेडी है। सो कैसी लगी आज की ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एक्चुअली ये बैग कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा और चाहे तो आप भी बना सकते हैं। बस आपको वूल चाहिए और पुराने बैग से ये सब रिंग्स चाहिए और ये जिप भी मैंने पुरानी बैग से लिए हैं। So that's it for today. Thanks for watching everyone. Ta-da!